हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने आज की इस वीडियो में वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसका एक नोट्स बना लें और इसका रिवीजन करें जिससे आपके दो तीन नंबर जो हैं वो एकदम फिक्स हो जाएँ। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। वर्ल्ड कप 2019 का खेल कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 30 मई 2019 को वर्ल्ड कप 2019 का खेल प्रारंभ किया गया। कुल कितने मैच खेले गए? तो 48 मैचेस खेले गए थे। मैच कितने दिन चला था? तो 46 डेज ये मैच चला। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये इंग्लैंड और वेल्स में किया गया। वर्ल्ड कप का ये कौन सा संस्करण है? तो ये 12वां संस्करण खेला गया। वर्ल्ड कप सबसे पहली बार कब खेला गया था? तो 1975 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच खेला गया था और वेस्ट इंडीज ने इसमें जीत हासिल की थी। कितने टीम ने इस बार हिस्सा लिया था? तो इस बार 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनके नाम हैं इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड तथा साउथ अफ्रीका। ये 10 टीमों ने इस बार वर्ल्ड कप 2019 में हिस्सा लिया था और जिसमें से लास्ट में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहुंची थी। भारत ने कुल कितने मैच जीते? तो उसने 9 में से 7 मैच उसने जीते थे। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। आखिरी मैच किनके बीच खेला गया? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी मैच खेला गया। विजेता टीम इंग्लैंड रही और उपविजेता न्यूजीलैंड रही। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक रन रोहित शर्मा ने बनाया था जो 648 रन थे। फिर उसके बाद डेविड वार्नर 647 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे और शाकिब अल हसन 606 रन बनाए थे जिन्होंने जो बांग्लादेश के हैं। सर्वाधिक विकेट माइकल स्टार्क ने लिया था 27 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। फर्गसन ने 21 और जोफी आर्थर और मुस्तफिजुर रहमान ने 20 विकेट लिए जो इंग्लैंड और बांग्लादेश के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड केन विलियमसन को दिया गया था जो न्यूजीलैंड के थे। मैन ऑफ द मैच बॉन स्टीव को दिया गया जो इंग्लैंड के हैं। पुरस्कार की कुल राशि कितनी थी? तो वो $1 करोड़ या 70 करोड़ रुपया या $1 मिलियन थी। विजेता टीम को कितनी धनराशि मिली? तो $40 लाख विजेता टीम को मिला। अब तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है जो कि 5 बार है। वर्ल्ड कप में ICC का चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर ICC के चेयरमैन हैं। ICC के CEO कौन हैं? तो उनका नाम है मनु साहनी। किस भारतीय को अब तक मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया जा चुका है? तो सचिन तेंदुलकर को 2003 में और युवराज सिंह को 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया जा चुका है। फिर किस भारतीय को अब तक मैन ऑफ द मैच दिया जा चुका है? तो मोहिंदर अमरनाथ को 1983 में और महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में मैन ऑफ द मैच दिया गया था। फिर वर्ल्ड कप 2019 का सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है मुजीर उर रहमान जो कि अफगानिस्तान का है। 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड कप 2019 का सबसे ख़राब गेंदबाज कौन था? तो राशिद खान, जिन्होंने 9 ओवर में 110 रन दिए थे और ये अफगानिस्तान के हैं। भारत की अमूल कंपनी किस देश का प्रायोजक किया था? तो वो अफगानिस्तान का प्रायोजक बना था। वर्ल्ड कप 2019 में एक पारी में सर्वाधिक 6 रन किसने मारे थे? तो इयोन मॉर्गन जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं उन्होंने 17 छक्के मारे थे। सर्वाधिक शतक किसने बनाया? तो रोहित शर्मा ने 5 शतक बनाए थे। वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने से पहले लॉर्ड्स में किस भारतीय खिलाड़ी की प्रतिमा लगाई गई? तो विराट कोहली की प्रतिमा लॉर्ड्स में लगाई गई थी। ICC 2019 में अपना प्रायोजक किसको बनाया था? तो गो डैडी को अपना प्रायोजक बनाया था जो कि एक वेब डिज़ाइनिंग की प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसके एक अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में डाउट्स हो तो आप हमको ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और
हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।